बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मक़दस मस्जिद के इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए मताफ में 25 और माजूर और नेज़ बुज़ुर्गों के लिए 4 ट्रैक मख्तस कर दिए हैं। SPA के मुताबिक इंतज़ामिया ने हरम शरीफ में करोना SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए मताफ, सफ़ा मरवा के दरमियान सही और नमाजों के लिए मसले पर खसूसी इंतज़ाम किए हैं। इसका एहतमाम किया गया है कि ज़ायरीन तवाफ़, सही और नमाज के दौरान समाजी फासले की पाबंदी इत्मीनान से कर सके। सिक्योरिटी काफिला बंदी इंजीनियर नज़ार अलाउद्दीन ने बताया है कि इंतज़ामिया की क़ियादत ने साल के तजुर्बे को मंतज़र रख कर मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। स्कॉलर्स ने फील्ड सर्विस किए थे, जबकि हरम शरीफ आने जाने वाले और वहाँ उम्रा व इबादत मंजर शक्ल में अदा करने के हवाले से मुसलसल मतलूआजात के नतज को मंतज़र रख कर इकदाम का फ़ैसला किया गया है। अलाउद्दीन ने बताया है कि सऊदी अरब ने हज और उम्रा सीज़न के दौरान गैर मामूली इजदहाम को कंट्रोल कर पूरी दुनिया में अपनी साख बना ली है। ममूलकत में ऐसे सऊदी नौजवान तैयार हो चुके हैं जो ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने का हुनर रखते हैं व बड़ी भीड़भाड़ को रोकने का अच्छा खासा तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। स्कूलों में वायरस से मुतासर होने पर क्या कार्रवाई होगी? स्कूलों में तालिबा, इस्तेज़ाद या मुंतज़मीन को करोना वायरस लगने पर क्या कार्रवाई होगी? इस हवाले से सवाल जवाब पर वज़ीर तालीम डॉक्टर हामिद अल शेख ने जवाब दे दिया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर तालीम ने कहा है कि अगर तालिबा व तालिबात करोना वायरस से मुतासर होते हैं या क्लासरूम में किसी की बाबत वायरस लगने पर शुबा होता है तो ऐसे सूरत में क्लास 10 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा और इससे मुंसलिक तालिबा प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकेंगे। क्लास उस वक्त तक के मुअत्तल रहेगा जब तक कि ये मसदक रिपोर्ट ना आ जाए कि तमाम इंसदाद और तालिबा वायरस से पाक हैं। वज़ीर तालीम ने कहा है कि अगर स्कूल के मुख्तलिफ क्लासों में 2 या उससे ज़्यादा करोना केस रिकॉर्ड किए गए तो ऐसी सूरत में मुतअल्लिका स्कूल 10 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाएगा। वज़ारत सेहत इस हवाले से वाज हिदायत जारी कर चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।